आ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थई रह्यो छे। वीडियो में मंदिर ना पुजारी साधु संतो ने पोतानी मदद करवा आह्वान करी रह्या छे। तेमणे गामना सरपंचना छोकरा द्वारा ज कनडगत करवामां आवी रही छे तेवो दावो कर्यो छे। मंदिरना पुजारी पोते 15 वर्षथी रहे छे। आ वीडियो गुजरातनो ज परंतु क्यानो छे ते स्पष्ट नथी। आ वीडियोनी प्राइम इंडिया न्यूज कोई पुष्टि करतुं नथी। सीताराम, सभी साधु संतों को मेरा दंडवत प्रणाम। दोस्तों, मैं 15 साल से इस आश्रम पर रह रहा हूँ। ना मुझे बिजली मिली है और ना ही मुझे कोई किसी प्रकार का सुख। गांव के लोग, खास करके यहाँ का जो सरपंच का लड़का है भूमित, वो मुझे बार बार आकर के तंग करता है। अभी कल ही शाम की बात है, वो मेरे पास में आया और एक स्टाम्प पेपर लेकर के आया जो कोरा पेपर था। आकर के मेरे साथ जोर जबरदस्ती करी, मेरे से बोलता है कि इस पे साइन करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं 15 साल से इस मंदिर पर लाइट के लिए भरसक प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन इस मंदिर पर आज तक उसने लाइट नहीं आने दिए। वह एक भूमाफिया है। वह पहले एक ज़मीन घोटाले में 18 महीने जेल भी काट चुका है और अभी मेरे से कहता है कि या तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। अब मुझे ये बताओ, मैं इस मंदिर को, इस आश्रम को बना करके उसको कैसे दे दूँ? ये उसी के बाप की कोई जागीर नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे बार बार तंग करता है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास में रखे हुए हैं, मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो मुझे नहीं लौटाता है। मेरे से झूठ बोल करके लेके गया कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ गुजरात के बनवाऊँगा, और फिर वापस नहीं दिए। आप मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष अधिकारियों को, विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों को और RSS के अधिकारियों को भी ये सूचना दे चुका हूँ, लेकिन कहीं से किसी प्रकार की मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। मैं सभी साधु संतों से प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरी बात को गौर से सुने और ध्यान दें, और मैं कच्छवासियों से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो इस बात पर जरूर गौर करें। चूँकि ये जगह मैंने अपने मेहनत से बनाई है, मैं किसी से कोई चंदा मांगने नहीं गया हूँ, मैं किसी से कोई दान नहीं लिया है। सारी की सारी जो ये इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, ये मैं अपने पैसे से बनाई है, और अब मैं इतना परेशान हूँ कि बार बार मुझे पत्थर मारते हैं, यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। मेरी गाय, जो मुझे बहुत प्रिय है, मेरी इस गाय के साथ में भी वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मेरी इस गाय का 2 बार पत्थर मार मार करके सिर फोड़ चुके हैं। क्या मेरी गाय का क्या दोष है? मेरा छोटा सा बछड़ा है जो बेहद प्रेम करता है।